iPhone 5s पहला फ़ोन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। iPhone 5s पहला फ़ोन है जो 64-bit आर्किटेक्चर प्रोसेसर पर चलता है। iPhone 5s 2013 का बेस्ट फ़ोन है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2016 में iPhone 5s लेना सही रहेगा या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी iPhone 5s की काफ़ी अच्छी है। पूरा फ़ोन मेटल का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं। एक प्रीमियम फ़ोन की फील देता है ये। और जो प्रिसीजन कटिंग्स हैं वॉल्यूम बटन की, काफ़ी अच्छी लगती हैं। और नीचे की साइड में आप स्पीकर है, माइक्रोफोन है, 3.5mm ऑडियो जैक है और चार्जिंग पोर्ट है। राइट साइड में सिम ट्रे है और टॉप पे है पावर बटन और लेफ्ट साइड में पावर लॉक और साइलेंट बटन है। फ़ोन का छोटा साइज़ होने से आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप चारों कॉर्नर्स फ़ोन के एक ही हाथ से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में आपको फ़ोन ज़्यादा हैंग नहीं होगा डे टू डे यूसेज में। मेरे को तो कोई ख़ास ऐसे लैग मिला नहीं और गेम्स भी काफ़ी अच्छे से चला लेता है ये फ़ोन। तो चलिए अब देखते हैं एंटूटू चला के कि स्कोर क्या मिलता है। अब टेस्ट पूरा होने में टाइम लगेगा तो मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 45,000 के करीब स्कोर आया है। तो परफॉर्मेंस में कुछ खास नहीं है, बस एवरेज है ये फ़ोन। अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, जहां पे एप्पल हमेशा शाइन करता है। तो 8 megapixel का रियर कैमरा है और 1.2 megapixel का फ्रंट कैमरा है। और इस फ़ोन से पिक्चर्स ली हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं और वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छी आती हैं। पर एक पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि ये फ़ोन 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो चलिए कुछ सैम्पल शॉट्स देखते हैं iPhone 5s से लिए हुए। बाय द वे, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला। अरे कीजिए, अच्छा कर दिया, चलो थैंक यू। तो चलिए अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉल क्वालिटी सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और नेटवर्क रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा था। तो इस बात के लिए थम्स अप। तो इतना सब पावर होता है 1560 mAh की बैटरी से। और बैटरी लाइफ की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 3 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा। और चार्जिंग भी ये 2 घंटे के अंदर अंदर 10% से 100% हो जाती है। पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है बैटरी लाइफ। अब बात करते हैं कि इस फ़ोन को 2016 में ख़रीदना चाहिए या नहीं। अगर आपको सिर्फ एक एप्पल का फ़ोन चाहिए बजट में तो ही ये फ़ोन खरीदिए, नहीं तो मैं कहूँगा कोई एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए, जैसे कि MI Redmi Note 3 जो 10,000 के अंदर है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मैं शुभम आहूजा आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।